हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बॉयंसी एंड फ्लोटेशन जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे थे उसी पे बेस्ड अभी तक एसएससी जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। बोलता है दैट द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। कोई भी इमर्ज्ड बॉडी पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? बॉयंट फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करता था, लेकिन ये यहां पर पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको क्या बोलते थे? दैट इज योर नथिंग बट दैट इज बॉयंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है, और अगर फ्लोटिंग बॉडी में मान लेता हूं इसको डिस्टर्ब कर दिया आपने, फ्लोटिंग बॉडी को याद होगा आपको तो फटाफट आप इस तरह से बनाकर देख लेंगे कि अगर मान लीजिए जी इधर है और एम इधर है, आपने पक्की बात है डिस्टर्बिंग मोमेंट कैसा आया? क्लॉकवाइज आया, और इसके कारण भी मोमेंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब अगर जी ऊपर हुआ तो अनस्टेबल होगा, जी नीचे होना चाहिए या फिर एम ऊपर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, मेटा सेंटर इज अबोव जी, मेटा सेंटर जी के ऊपर होगा तो क्या होगा कंडीशन डिस्टर्ब करने पर, कि अगर मान लीजिए यहां एम है और यहां जी है, डिस्टर्बिंग मोमेंट ऐसा आया तो ये वेट के कारण मोमेंट कैसा आएगा? इसका अपोजिंग, दैट मींस एम शुड बी अबोव जी एंड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी अगेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑड शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 kg एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। आप लोगों को यहां पर क्या बोल रहा है, फ्लोटिंग के बारे में बोल रहा है कि बॉडी को फ्लोट करवाना है, और फ्लोटिंग के लिए कंडीशन क्या है आप लोग बिल्कुल जानते हो, दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी शुड बी लेसर देन द डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड। अच्छा, यहां पर ये बता दो डेंसिटी ऑफ दिस गिवन सॉलिड बॉडी कितना हो जाएगा? तो आप लोग जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। So density of the solid body 7.5 kg is the mass and 0.01 meter cube is its density, is its volume. तो ये हो जाएगा density should be lesser than or equals to the density of fluid. तो ये कौन से particular fluid में डूब पाएगा, तो उसके लिए अगर आप check करोगे तो यहाँ पर density of fluid मिल जाएगा and that will be equal to कितना हो जाएगा ये? That will be equals to 750 kg per meter cube से कम वाला अगर कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड हुआ तो उसमें ये डूब जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है तो फटाफट बताओ दो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.75 एंड व्हिच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। मेटासेंट्रिक हाइट is given as a distance between metacentric height क्या होती है? तो आप लोगों को याद मैंने बताया भी था that is equals to gm, gm मतलब होता है the distance between the center of gravity and meta center। तो देखिए center of gravity and meta center that is given in your option number A। second option भी देख लीजिए, center of gravity and center of buoyancy गलत है यहाँ पर, center of gravity and center of pressure ये भी गलत है, center of buoyancy and meta center ये भी गलत है, option number A will be the correct answer। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, मतलब जो बॉयंट फोर्स एक्ट करता है वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये कौन सा लॉ था? दैट वॉज नथिंग बट दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी आप लोग बिल्कुल जानते हो। देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन है यहां पर, क्या बोलता है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ। सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में बात कर रहा है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी किसका सेंट्रोइड होता है? सबमर्ज्ड पोर्शन का होता है। तो सबमर्ज्ड पोर्शन मतलब वो पोर्शन जो जहां से फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। देखिए यहां पर सबसे पहले पूरे बॉडी का, सबमर्ज्ड बॉडी का सेंट्रोइड नहीं लेते हो आप। वॉल्यूम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी नहीं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड वर्टिकली अबोव द बॉडी नहीं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड का सेंटर ले लेते हो, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। आप लोगों को याद होगा
टाइम ऑफ ऑसिलेशन का हमने देखा था रिलेशन कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जीएम के। तो यहां पर बोल रहा है कि टी की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो जी की वैल्यू जीएम की वैल्यू पक्की बात है क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, अच्छा सॉरी, ये मेटासेंट्रिक हाइट को अगर बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विल बी लोअर। अगर आप टाइम पीरियड सॉरी मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ा देते हो तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, सुनेंगे यहां पर सेंटर ऑफ बॉयंसी के लिए स्टेटमेंट सही कौन सा है। इट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। मुझे ये सही दिख रहा है लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं यहां पर। इट इज अ पॉइंट वेयर बॉयंट फोर्स एक्ट्स, ये भी सही दिख रहा है। अच्छा, इट इज द पॉइंट वेयर बॉयंट फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। इसमें ए एंड बी दोनों ही सेंटेंसेस दिए हुए, इसका मतलब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ये बॉडी के बाहर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन कुछ डायमेंशन दिए हुए फ्लोटिंग विद द इन द वॉटर विद इमर्सिंग डेप्थ ऑफ 0.5 meter। तो चलिए मेरे को यहां पर सबसे पहले बताइए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी आप लिख सकते हो 2×1×1 दैट इज इक्वल्स टू 2 meter cube। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो सर वही पार्ट डिस्प्लेस कर पाएगा जो कि इमर्स हुआ है, और इमर्स पार्ट के लिए डेप्थ कितनी बोल रहा है 0.5, सो लिख देता हूं 2×1×0.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 meter क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि भाई वाटर का यहां पर गामा दे दिया है, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, तो वेट आप लोगों को पता है बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। वेट को मैं लिख देता हूं W, लेकिन बॉयंट फोर्स के लिए आप लोग जानते हो दैट विल बी इक्वल्स टू गामा W इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड। अच्छा, गामा ऑफ वाटर को क्या ले रहे हैं, 10 kN/m³ ले रहे हैं हम लोग, और वॉल्यूम कितना है यहां पर जो डिस्प्लेस हुआ, दैट इज नथिंग बट दैट इज 1। सो हेंस फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 10 kN, ये वैल्यू मीटर क्यूब में थी, तो यहां पर से आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 meter इज फ्लोटिंग इन वाटर विद इमर्जिंग डेप्थ ऑफ 1 meter। ठीक है, तो 2 meter का टोटल डायमेंशन है और उसका कुछ 1 meter पानी के अंदर है। व्हाट इज द वेट ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो मेरे को ये बता दो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोग जानते हो दैट इज इक्वल्स टू 1 cube होता है, लेकिन डायमेंशन क्या दे दी है 2, सो 2 cube दैट इज इक्वल्स टू 8 meter cube मैं इसका टोटल वॉल्यूम मान लेता हूं। लेकिन बोल क्या रहा है कि एक ही मीटर इसमें इमर्स हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, तो देखिए 2×2, ये तो 2 dimensions तो अभी भी कांस्टेंट रहेगी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की, लेकिन एक डायमेंशन कितनी है यहां पर 1 meter, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 meter cube। अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई वेट ऑफ क्यूब बता दो मेरे को, तो वेट किसके बराबर होता है, वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों ने लिखा है। तो दैट विल बी इक्वल टू गामा ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। अच्छा, गामा ऑफ वाटर कितना बोल दिया, 10 लेने का बोल रहा है, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है 4 है, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 40 kN। सो यहां से दिख रहा है वेट ऑफ द क्यूब इज नथिंग बट दैट इज 40, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ 90% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज इमर्स्ड इन वाटर एंड ओनली 10% इज अबोव द वाटर सरफेस। मैं मान लेता हूं ये हमारा आइसबर्ग है और ये है हमारा वाटर का फ्री सरफेस, तो दिस पोर्शन इज कितना है 10% और ये पोर्शन बाकी का बच गया कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि भैया जो वो यहां पर सी वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी दे दी 1025, तो पूछ रहा है कि भैया इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो मैं मान लेता हूं टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज वी। ठीक है, तो मुझे ये बता दो टोटल वेट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल बॉयंट फोर्स, या आप लोग जानते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से टोटल वेट कितना हो जाएगा
टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज वी, लेकिन आइसबर्ग की डेंसिटी कितनी है वही आपको निकालनी है। तो मैं उसको लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग शुड बी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स, कितना एक्ट करेगा, तो क्या पूरे के पूरे वॉल्यूम के कारण बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा? नहीं, सिर्फ वो पोर्शन जो कि पानी के अंदर है, मतलब ये वाले पोर्शन के कारण यहां पर बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, एंड उसके लिए वॉल्यूम कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ वी। लेकिन ये बताओ किसको डिस्प्लेस करा, सी वाटर को, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1025। सो यहां पर जब डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.9 इनटू 1025। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यहां से आप लोगों को मिल जाएगा एज 922.5 किलो केजी पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट द बेसिक कंसेप्ट इज नथिंग बट दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं अगला, द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में अगेन सवाल पूछा गया था, इन द फ्लोटिंग बॉडी मेटा सेंटर ऊपर होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए ये है टिल्टेड, वापस से बनाकर देख ले, ये एम है और ये जी है। अगर आपने इसको इस तरह से टिल्ट करा है तो ये जी के कारण मोमेंट कैसा आएगा, इस तरह का आएगा, मतलब ये कैसा हो गया, दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब एम ऊपर होना चाहिए जी से, एम इज अबोव जी इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही फटाफट जल्दी जल्दी हो जाते हैं। खैर मैं तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ पढ़ पढ़ कर, अगर खुद ही करना होता तो इससे भी कम टाइम लगा होता आपको। देखते हैं आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ, अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन मेटासेंट्रिक हाइट जीएम की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये जीएम की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो मैं क्या बोल देता हूं, दैट इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसी की वैल्यू जीरो आती है तो क्या बोल देते हैं, दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो पूछ किसके लिए रहा है, स्टेबल के लिए, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एन आइसबर्ग फ्लोट्स इन सी वाटर विद 14% ऑफ इट्स वॉल्यूम प्रोजेक्टिंग अबोव। तो ठीक है 14% बाहर है, मान लेते ये है 14%, तो बाकी का बच गया कितना हो जाएगा, 100 - 14 दैट इज इक्वल टू 86%। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग पूछ रहा है लेकिन स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर दे दिया है, तो वेट शुड बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स, ये आप लोग जानते हो। मैं मान लेता हूँ टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज वी। ठीक है, तो V इंटू गामा ऑफ आइसबर्ग विल बी योर वेट, लेकिन बॉयंट फोर्स किसके कारण आएगा, सिर्फ ये वाले पोर्शन के कारण, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.86 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, लेकिन गामा किसका लूं, गामा ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है, 10,400 वाला, तो 10,400 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो आपको इजीली गामा आई कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 86.86 इनटू 10400, वी कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा एज, सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 8,944, 8,600 से तो ज्यादा आना है, तो वो काम तो खैर आप लोग कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए वैसे भी अगर आप यहां पर ऑप्शंस को एक्सक्लूड भी करना चाहते तो ये सब समझ में आ जाता था कि अगर 0.86 इनटू 10,000 भी करा होता तो 8,600 आता, और 8,600 से ज्यादा ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना, ऑप्शन सी तो होना ही नहीं था, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बहुत फटाफट आपको आंसर मिल जाता था। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे बॉयंसी एंड फ्लोटेशन से पूछे गए हैं एसएससी जेई में, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हैप्पी इंजीनियरिंग।